हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पुष्पा किचन में स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी मछली का मुंडा चाप, जो खाने में काफ़ी टेस्टी होती है, स्वादिष्ट होती है। आज चलिए आज मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। अब क्या क्या मसाला डालूंगी, कैसे मैं बनाऊंगी, चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, चार पीस लिया है रेहू मछली का मुंडा, जो इसका चाप बनाऊंगी। इसे मसाला डालने के लिए देखिए, जीरा गोलकी लिए हैं, एक चम्मच जीरा है, एक चम्मच गोलकी है, दो चम्मच सरसों लिए हैं बड़े चम्मच से, दो चम्मच धनिया है, इतना मिर्चा है और दो कली लहसुन लिए हैं। और इसमें डालने के लिए हरा मिर्चा है, नींबू है, टमाटर है, दो पीस प्याज काट लिए हैं, मीडियम साइज का प्याज काटे हैं। अब सब डाल करके मैं बनाऊंगी, चलिए आपको खाने में बहुत काफ़ी मजा आएगी। पहले मसाला मैं ग्राइंड करूंगी, धनिया डालती हूँ, सरसों, सब मसाला डाल करके मैं ग्राइंड करूंगी, काफ़ी इसका फ्लेवर ज़्यादा टेस्टी बनती है। एक बार में हम सब पीसेंगे। देखिए मसाला ग्राइंड कर लिए हैं, बहुत अच्छी ये है। अब चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए मछली का मुंडा का चाप बनाने के लिए हम लिए हैं, अब सबसे पहले नमक डालेंगे, मसाला ग्राइंड कर लिए हैं, पहले हल्का नमक मैं डाल करके फ्राई करूंगी। इसमें एक चम्मच मसाला हल्दी, मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे, उनको एक बार बना करके मैं खिला दी, उनको काफ़ी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि हमेशा वो बहुत नाम लेते हैं कि वही चाप हमको बना करके खिलाइएगा। हम बोले जरूर खिलाएंगे, आइएगा तो जरूर खिलाएंगे। बहुत काफ़ी उनको पसंद आती है, जब भी बात करेंगे तो यही बोलेंगे कि हमको चाप खाना है, मछली का मुंडा का चाप। हम बोले कि ठीक है, ज़रूर बना कर खिलाएंगे। देखिए इस तरह से सब इसे मसाला मिक्स करने हैं, जिस तरह से मैं बताती हूँ उसी तरह से फॉलो करनी है, अब काफ़ी पसंद आएगी। देखिए पैन हम बैठा दिए हैं, ऑयल भी डाल दिए हैं, गर्म हो चुकी है। अब इसमें मैं मुंडा डालूँगी, बहुत अच्छी बनती है। देखिए हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करनी है, कुरकुराहट तो ज़्यादा रहेगी तो खाने में हमको काफ़ी मज़ा आएगी। ज़्यादा फ्राई करना है, हल्का फ्राई नहीं करेंगे, ज़्यादा फ्राई करेंगे, काफ़ी पसंद आएगी। देखिए हाई फ्लेम रखे हुए हैं, इसी तरह से हम फ्राई करते रहेंगे। देखिए दोनों तरफ से हल्का हल्का ब्राउन हुई है, इसको और ज़्यादा करूँगी, इसी तरह से उलट पलट करके फ्राई करते रहना है। देखिए इस तरह से घुमा घुमा करके पूरा हमने फ्राई कर रहे हैं। हम इसी तरह से घुमा घुमा कर करने हैं कि अच्छी से अंदर तक हमारी एकदम क्रिस्पी हो जाए, जितने लाल भूंजिएगा उतने ही क्रिस्पी होगी मड़ी। इसी तरह से एकदम लाल फ्राई करनी है और मैं इसे निकाल लूँगी। देखिए देख सकते हैं
बहुत अच्छी लाल हुई है, ब्राउन एकदम। अभी इसमें मैं फर्स्ट फोड़न डाल दूंगी। छोटा चम्मच से दो चम्मच डाले पचफोड़ना। इसमें मैं प्याज डालूंगी। मिर्चा कटा हुआ, टमाटर भी डाल देंगे। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। देखिए इसे हल्का ही फ्राई करेंगे, ज्यादा लाल नहीं करनी है। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी। देखिए प्याज टमाटर मिर्चा हल्का फ्राई कर लिए। अब इसमें मसाला जो ग्राइंड किए हुए थे मसाला मैं डालूंगी। हल्दी डालूंगी। डेढ़ चम्मच हल्दी डाला। अच्छी तरह से इसी तरह से फ्राई करनी है। देखिए मसाला अच्छी से फ्राई हो गई है, तेल भी छोड़ने लगी है मसाला। अब इसमें मुंडा मैं डालूंगी। मुंडा डाल करके इस पर से दबा देनी है। बहुत अच्छी चाप बनेगी। देखिए पानी नहीं डालनी है। अब मैं गैस फिलिंग करूंगी, ज़्यादा हाई फ्लेम पर थी। अब सिलिंग रखे हैं हुए हैं। अब इसमें मैं नींबू डालूंगी। क्या हमारी चप बन चुकी है, मुंडा का चप बहुत काफ़ी टेस्टी बनी है। चलिए अब गर्मा ही गर्म सब करेंगे, गैस ऑफ कर देंगे। थोड़ी सी धनिया पत्ता डालूंगी। वाह क्या टेस्टी बनी है। चलिए अब गर्मा ही गर्म सब करें। देखिए मुंडा चाप बना चुके हैं, काफ़ी टेस्टी बनी है, बहुत स्वादिष्ट बनी है। आप लोग सैलेड के साथ खाइए या रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए। खा करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। और जिस तरह से मैं बनाई हूँ उसी तरह से फॉलो कीजिएगा, सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और शेयर कीजिएगा, शेयर करना तो भूलिएगा नहीं, कमेंट करना भूलिएगा नहीं। फिर मिलेगा नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।